पति की सजा कैसी है मोहब्बत की सजा होती है किसी ने कैसी है मोहब्बत की सजा दुनिया ही मेरे दिल की किसी दुनिया ही मेरे दिल की किसी मिटाती है किसी ने कैसी है मोहब्बत की सजा होती है किसी ने कैसी है मोहब्बत की सजा नर्तक मालूम होते हैं? जी हाँ। बड़ बड़ के बातें न कीजिए महाशय, अगर इतनी ही समझ है तो आइए मुकाबले में। लाओ जी तबला।
चलो बेटा अब नमन का तो डालो। लाओ जी पखावर, आप लोग भी भिजाएंगे? स्नान संध्या के बाद शिष्य गुरु को नमस्कार करने आता है, प्रभात का समय है। नीला देवी, क्या मंगल महाराज तुम्हारे यहाँ से गए अभी? सारे देश में मान है उनका, ऊंची से ऊंची पदवी पाई है भारत नटराज की। मास्टर जी तो जानते ही होंगे उन्हें। जी खूब जानता, मगर भारत नटराज के खिताब की बात जाने दीजिए। उस उत्सव में असली हकदार मेरे पिताजी थे, मगर फैसला करने वाले पंचों की पिताजी से दुश्मनी थी, इसलिए उनकी जगह मंगल महाराज के हक में फैसला हुआ। मगर गुरु जी, उनके बेटे की जो कला मैंने आज देखी, उसके मुकाबले में तो ऐसा मालूम होता है कि मुझे सिर्फ बाजारी नाचे सिखाया गया। जी, लेकिन तुम्हारे मणि बाबू का कहना था कि 6 महीने के अंदर अंदर देश भर में नाच का प्रोग्राम कराने के लिए जल्दी से जल्दी तुम्हें अच्छा नाच सिखाया जाए, और साथ साथ समूह नृत्य के लिए इतने सारे लड़के लड़कियों को भी तैयार किया जाए। 6 महीने में और क्या आसमान से तारे तोड़ लाता, इतनी मुद्दत में मंगल महाराज तो भाड़ भी नहीं छोड़ पाते। क्या कहते हो, इतने बड़े कलाकार की शान के खिलाफ मैं शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती। तुम मेरा अपमान कर रही हो, आज से मेरा इस हवेली में कदम रखना हराम है। धर्मशाला में उतरे हैं। धर्मशाला में उतरे हैं? कहीं तो आए हैं बनारस से। नृत्य के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो बिल्कुल अनाड़ी है बाबा, अनाड़ी। लीला कोई मामूली नाचने वाली नहीं बेटा, हार और झील मालूम होती है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मगर बाबा, अब तक जितनी भली बुरी लड़कियां हमने देखी, उनमें लीला ही सबसे अच्छी है। और फिर समय ही कहां है ज्यादा खोजते ही है। बरस भर ही तो रह गया है नटेश्वर मंदिर के मुकाबले वाले उत्सव में। मानता हूँ नीला पर मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी,
मगर मेहनत ही से भाग्य बनता है। मेरा भाग्य बना दो महाराज, मुझे अपनी शरण ले लो, अपनी शिष्या बना लो। तुम्हें देखा देखी शौक हुआ है या कला की अर्चना से कह रही हो? नृत्य की अर्चना ही से पाँव उठे हैं महाराज, जो मैं आपसे आप खींचे चली आई अपने गुरु के द्वार। तुम्हें बड़ी भारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। अवश्य, धन दौलत, गहना जेवर, बाग बाड़ी हवेली। हमें तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए। मेहनत, रियाजत, श्रद्धा और तपस्या, एक सच्चे विद्यार्थी और त्यागी की तपस्या। मेरी परीक्षा ले लीजिए, आजमा देखिए महाराज। हमारे पास परीक्षा के लिए समय नहीं है, हमें नटेश्वर मंदिर के उस इनामी उत्सव में शरीक होना है जो हर 10 वर्ष के बाद होता है बसंत बहार में। उसमें गिरधर जी एक नाच दिखाएंगे अकेले और दूसरे में एक स्त्री के साथ। हाँ, अगर ये मान जाओ तो स्त्री पुरुष वाले साझे नृत्य के लिए हमें तुम्हें शिष्या बनाना स्वीकार है। बाबा, कहना आसान है, कर गुजरना मुश्किल। ये क्या जाने कला की कठिनता। महाराज, आप कहिए तो सही, क्या आज्ञा है? रियाज की सख्तियां सहनी पड़ेंगी, आंसुओं के खून पीने पड़ेंगे, पैरों के छाले फोड़ने होंगे, लोहे की देह बनानी होगी। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है महाराज। जवानी की उमंगे और प्रेम प्यार की बातें, उनके बदले कला की सेवा और प्रभु की उपासना से आनंद लूंगी। एक सेविका की तरह पुजारी बनकर जौवन का सा जीवन बिताने को तैयार हूं। भगवान तुझे अपने इरादे से कायम रहने की शक्ति। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तेरे नए जीवन का उदय होगा। कल्याण मस्तु। कल्याण। परीक्षा में पूरी उतरो और नटेश्वर की कृपा से तुम्हारा कल्याण। खुश रहो बेटी। मुबारक नीला। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आइए। महाराज, ये है मेरे बचपन के साथी मणि बाबू। ओहो, साथी भी और सलाहकार भी। अगर ये सीखने में कुछ गड़बड़ करे तो आप मुझसे कहिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुबारक भाई। गिरधर, तुम्हें नीला को पहला तोड़ा बताना है। आओ नीला। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
बरन शाम बरन शाम बरन आई 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 है घर रो आमदनी बन उस पर खर्च दूना कैसे नाच महाराज लाकर बिठाए हैं घर में जिनसे तौबा ही भली बाहर धर्मशाला में रहते थे बैरागी बनकर यहाँ हुकुम चलाते हैं राजो की तरह ए देखो आज की खरीद पूरे 50 रुपए की है चुप रहे उधर देख बेचारी मालकिन नाच तालीम में अपना खून बसना ये कर रही है और तू यहाँ बैठी बैठी अपना रोना रो रही है बैठ और अपने स्वामी की चरण छू शपथ ले चरण छू तेरा पति तेरा कल्याण करे कल्याण करे अच्छा तो अब तुम शपथ लो अपनी स्वामिनी के सर पर हाथ रखकर कहो क्या कहो
मैं बदलू, मैं बदलू, बिंदिया रानी का दास, बिंदिया रानी का, नीला देवी का नौकर। प्रण करता हूँ कि मैं टमाटर की तरह पिलपिला, कद्दू की तरह फुसफुसा और बैंगन की तरह बेगुन रहूं। क्या कहा? तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कल्याण कल्याण करे या परेशान करे, अभी देखता हूँ क्या करे। अच्छा, परेशान तो परेशान। नमस्ते, नमस्ते, बैठो बैठो। मणिलाल, आज राधा कृष्ण नृत्य की पक्की तालीम है, देखना इतने महीनों में नीला ने कैसा कमाल हासिल किया है। आओ आओ मणिलाल, बैठो। गिरधर, तैयार हो ना? जी बाबा। चलो शुरू करो जी। प्राण 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 धा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे है, झननन 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 गान 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 धा। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे है, झननन 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 मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर पे मुरलिया 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 साजे है। साधे थे सर कितने में दी दिखाई राधा 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 chana nana chana nana chum chum chana nana chum chum chana nana nika tata chanda kaska chum chana nana chum chum tira dita mane par se aaye rahi ta de de ta ta de de ta chana 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 लगी राधा की धूम 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 चन पर आप ही आपसे बजने लगी बजने लगी। लंबा सा घूंघट काढ़ लिया बंसी किसको पर झूम गई हर तरफ गगरिया मोहनी मोहन की और ही धुमकिता 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 मैं गए। कृष्ण कन्हैया नट घट ने राधा की कन्हैया था बलई राधा ने पुकारा राधा ने पुकारा हाय गई कोई आव सखी कोई आव सखी। फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया जोड़ मुड़ी कहा कृष्ण ने सुपर है वरना दूंगा डगरिया तोड़ तोरी। राधा तब शोकी पर कुछ बिगड़ी भी पाई भी फिर कृष्ण से पूछा कौन हो तुम क्या नाम है जी क्या काम है जी क्या काम है जी सिद्ध कथा 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 हमें वो गुवाना कहते हैं हमें कृष्ण दिया है नाम हमें कोई नटवर गिरधर कहता है कोई नटवर गिरधर कहता है और कोई कहे धन नाम राधा ने उनको हाथ दिया और कृष्ण ने उनका हाथ दिया बात हुई कुछ बात हुई इतने में सूरज डूब गया राधा की पायल जादू की तो कला की जादू थी राधा तय कै दूंगा धागे से पैदा था निंदा हिस्सा किस भाधक का दूंगा सखी सत का दिस गत गति लगा देगा
रैन कुदीप हमारे थे और नीले गगन पे तारे थे राधा को बिठा के इशारे राधा को बिठा के इशारे थे राधा ने आंचल बांध दिया मुरली को संभाला माधव ने गदी की नथा गदी की नथा गदी की नथा गिरधर क्यों मणिलाल क्या ख्याल है कमाल है कमाल महाराज जैसे सचमुच के कृष्ण और राधा यही तो खूबी है असली कला की अजी खूबी कहिए या खराबी क्या मतलब यही कि इस तरह कलाकारों में एक दूसरे से गहरी दिलचस्पी यानी मोहब्बत पैदा हो जाने का डर है मुझे जरा भी डर नहीं मेरा गिरधर सुंदर से सुंदर कुमारियों के साथ नृत्य करता आया है मगर क्या मजाल पांव फिसल जाए या मन मचल जाए जब तो ठीक है महाराज आप जानते हैं कि मुझे नीला से हाँ हाँ मणिलाल तुमसे ज्यादा मुझे अपने गिरधर का ख्याल है मगर भरोसा रखो हमारे घराने के लोग भारत नटराज की पदवी पा लेने के बाद ही शादी ब्याह का नाम लेते हैं और फिर शादी करते भी हैं तो प्रेम प्यार की नीयत से नहीं सिर्फ अपने कुल का नाम और कला को जिंदा रखने के लिए क्या समझे आपकी बातें मेरी समझ के बाहर हैं फिर भी समझ गया महाराज नमस्ते मणिलाल नमस्ते 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 वाह 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 लीला आज तो तुमने कमाल कर दिया मैं जानता हूं कि कला में नकल को असल कर दिखाना तो चाहिए मगर इस दर्जे तक नहीं जिससे उसका असली जीवन पर कोई गहरा असर पड़े वाह तुम कैसी बातें करते हो हाय राज तुमने वाकई कमाल कर दिया मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो तुमसे यही उम्मीद है मणि बाबू कोई बात नहीं लीला अगर और रुपयों की जरूरत पड़े तो बदलू को भेज कर मंगवा लेना मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी शोहरत के लिए इस राधा के लिए मगर याद रखना कहीं सचमुच राधा न बन जाना गिरधर की मणि बाबू भी बड़े वो हैं कहने लगे कहीं सचमुच राधा न बन जाना गिरधर के बात तो पते की कही मणि बाबू ने आखिर किसी की तो होना ही है तुम्हें एक ना एक दिन मैं किसी की नहीं होना चाहती अभी मालकिन ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेगी वाह 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 बड़ा अच्छा फैसला किया बहुत ही अच्छा फैसला किया तो फिर तुमने अपने लिए अच्छा फैसला क्यों ना किया तुम्हारा हमारा किस्सा ही अलग है ये शादी ब्याह का झमेला जी का झंझाल है यहाँ सतलब जुआ है क्या ये और बात है कि इस जुए में हम दोनों की एक शानदार जीत हुई है यानी यानी कि तुम्हें पति मिला वो एहसान ने और मुझे पत्नी मिली वो लाखों में नट खट नट खट नट खट नट खट नट खट
बदलू? हाँ जी, शादी से पहले मैं एक अमेरिकन साहब के पास मोटर ड्राइवर था, उनके हमेशा से खटपट हुआ करती थी, मैं देखा देखी सीख गया। बिंदिया को बड़ा कुछ सिखाया मैंने, बड़ा ऊट पड़ा ना चाहिए, आपके लायक नहीं। क्यों नहीं? नहीं नहीं मानसी, आपसे कभी नहीं होगा। नहीं हाँ। क्यों ना होगा, हम जरूर देखेंगे और नाचेंगे। बदलो, चलो शुरू करो। खट्टु पट्टु खट्टु पट्टु खट्टु पट्टु 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 खट्टु पट्टु दुखी ना हो। मैं जानती हूँ गिरधर,
करने में आसान, सहने में कठिन थे। काश कि मैं तुम्हारा दर्द बांट लेते। तुमने तो अपने हमदर्दी से मेरा सारा दुख ले लिया। बांटने की बात ही कहाँ रही। चलो हो गया। दर्द होता है बेटे, ये न समझना कि तुम्हारी तकलीफ से मेरा दुख कुछ कम है। तुम्हें मारपीट की है, मेरा कलेजा फटता है। तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल रोने लगता है। तुम्हारे खून की एक एक बूंद पर मेरी नस नस भिड़क उठती है। मेरा दिल मुझसे कहता है कि इस बेचारे ने माँ का प्यार नहीं देखा, सुख से बैठा नहीं, चैन से सोया नहीं। इस पर तरस खाओ। मगर नहीं, अभी नहीं, उस वक्त तक नहीं जब तक तुम नृत्य कला में भारत नटराज की पदवी हासिल करके गिरधर महाराज न कहलाओ। रोजी क्यों हो, ये जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। आओ बैठो मेरे पास, आंसू पोंछ डालो। बिंदिया, गिरधर जी का खाना जी तैयार है। मालकिन क्या बात है बंधु जी, खर्च के रुपए चाहिए। अगर आप मणिबाबू के नाम चिट्ठी लिखते हैं तो उन्हीं से कुछ और। नहीं, मणिबाबू से आइंदा रुपए लेने की जरूरत नहीं। ये लो। जो काम अपने हाथों, जब देखो कुछ ना कुछ किए जा रही है। कहीं दुश्मनों की तबीयत खराब ना हो जाए, कभी आराम भी कर लिया करो। नहीं बिंदिया, मुझे इसी में आराम मिलता है और शायद तुम्हें भी। देखता था कि उठकर अच्छी तरह चल फिर सकता हूँ या नहीं। देखो है, ये क्या करते हो? चलना नहीं। वाह, क्यों नहीं, ये देखो। आहिस्ता, संभल के, संभल के। अरे अरे, ऐसी बेसब्री, चलो बैठो। Bye.
महाशिवरात्रि, मैं अगले हफ्ते समझे बैठा था, मुझे आज ही बनारस जाना होगा भगवान के दर्शनों को। आपको जाना होगा? हाँ अभी। और मैं बाबा? मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं, तुम अभी सफर के काबिल नहीं, तुम्हें ज्यादा चलना फिरना न चाहिए। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और वहां से अपने नृत्य की खास पोशाकें लेता आऊंगा। नीला, बहुत दिनों से श्रोतालु नृत्य की तालीम नहीं हुई, तुम उसी का याद करके रहना मेरे पीछे, समझी? बदलू? ये सामान ले चलो बाहर। मैंने टांगा रोक रखा है। टांगा रोक रखा है? हाँ हाँ, टांगा रोक रखा है। ये ले। क्या कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। पांव संभाल कर रहना। रुनक जुनक पर छम छम मनोवा नाचे जनक जनक। लीला, कैसे जान लिया कि मैं हूं? हवा ने कहा, कानों ने सुना और दिल ने गवाही दी। आज शायद तालीम नहीं होगी। किसने कहा? हवा ने कहा, कानों ने सुना और दिल ने गवाही दी। हवा ने तो नहीं कहा, अगर तुम कहो तो आज तालीम नहीं होगी। आखिर क्यों नहीं होगी? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? आंखें? जी यहाँ। वहां क्या है? पांव के नीचे जमीन और जमीन के ऊपर तुम और मैं। और मैं पूछता हूं, ये क्या है? ये ओ, ये किसी ने रंग बिखेर दिए हैं। कौन है वो सरफिरा? जी वो सरफिरा मैं हूँ। मैंने ये नक्शा बनाया था एक नए नाच का किसी सरफिरे के लिए, मगर उसके पैरों में आंखें नहीं। ऐसी ही बात थी तो पहले से कह दिया होता। खैर छोड़ो, चलो हटो यहां से। उधर नहीं, इधर। हमारी खुशी, इधर नक्शा बनाते बनाते कमर टूट गई, उधर आप महारानी साहबा बड़े खासे आई और हमारी मेहनत बर्बाद कर चली। मुझे मालूम नहीं था, माफ कर दो। भूल हुई, हमारी जान गई, आपकी अदा है। आप चली जाओ यहां से, भगवान के लिए चली जाओ। जाओ भी।
आज तालीम नहीं है क्या? नहीं, मेरी तबीयत कुछ नरम गरम है। दिख 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 उचाट मन के दो इलाज है, या खास या बात। मतलब? हाँ मतलब साफ है, या तो थोड़ी देर खाट पर लेट रहिए, या तो किसी बात घूमने चले जाइए। ये कैसे हो सकता है बच्चों? जिला को अकेला छोड़कर चले जाना। आम तोड़ने आई थी। आम आम कैसी है उनकी तबीयत? जी अच्छी है, वो जरा नदी किनारे टहलने जा रही है। टहलने जा रही है अकेली? जी नहीं, मेरे साथ। तुम्हारे साथ? तो चलो बद्दू, हम भी जाएंगे घूमने। हाँ नदी किनारे? नहीं, हाँ हाँ नदी किनारे। और जाके घूमे, हमें परेशान न करें। देखो जी, हमें परेशान न करो, तुम लोग कहीं और शेयर करो। हाँ बिंदिया, कह दो उनसे कि उन्होंने कह दिया और हम मान गए, हम यही घूमेंगे। हम क्या किसी से कम है? हम यही घूमेंगे, नाचेंगे, सब कुछ करेंगे। धनुष बाण, शान में मदन समान। कौन मैं मदन?
और तुम रति। चल दे दुनिया के पार गए।
लिए, उनसे कहो कि मैं इंतजार कर रहा हूं। वो नीरज, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, तुम्हारी मालकिन का इंतजार कर रहा हूं। वो घर में नहीं है, घूमने गई है। घूमने गई है? अकेले नहीं, जेठा जी के साथ। मैं ये नहीं पूछता किसके साथ, जब आओ घर में नहीं, जब सुनो घूमने गई है। नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते। इसे हाथ नहीं लगाना, बनारस हो आए अच्छे रहे। हाँ मणिलाल, मगर इधर की चिंता भी लगी रही नीला के रियाज की। होता रहा ना? जी हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही रहा होगा। गिरधर जी वक्त गंवाने वाले नहीं, बड़े ही अच्छे हैं, अब आते ही होंगे घूमने फिरने के बाद। मगर ये भी कोई घूमने फिरने का वक्त है? वक्त तो अच्छा है, मतलब यही कि शाम के सुहाने समय कल्पना और कला का खूब साथ रहता है। देखो मणिलाल, अगर तुम मेरे दिल में नीला और गिरधर के खिलाफ कुछ शक डालने की कोशिश कर रहे हो तो बेकार है। मैं फिर कहता हूं कि मुझे अपने गिरधर पर पूरा पूरा विश्वास है और मुझे महाराज पर, मगर अपने आप पर नहीं। जवानी का क्या भरोसा। अच्छा नमस्ते। बाबा कल्याणमस्तु। आज तालीम नहीं हुई? नहीं बाबा, नीला की तबीयत अच्छी नहीं, जरा घूमने चले गए थे। मेरे पीछे कोई रियाज नहीं हुआ? हुआ बाबा। कौन से नृत्य का? शिव तांडव का ना? नहीं, फिर रति और मदन का। तो मणिलाल ठीक कहता था क्या बाबा? तुम जानते हो मैं बनारस क्यों गया था? महाशिवरात्रि के लिए और अपने यहां से घूरू और पोशाकें लाने। ये रहे वो पोशाकें और वो सामान, इन्हें अच्छी तरह से देखो, इनसे ज्ञान लो। यही है अपने घराने की इज्जत के दीप, जिनकी जोत जलाए रखना तुम्हारा दिन, जिनके लिए नटेश्वर उत्सव में जीत पाना तुम्हारा धर्म। वो धर्म उस लड़की के साथ घूमने फिरने और समय व्यर्थ गवाने से पूरा ना होगा। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। मैं जानता हूं कि इस भूल में तुमसे ज्यादा उस मूर्ख लड़की का दोष है। अगर फिर कभी तुमने ऐसी भूल की तो हम इस घर में एक पल भी न रहेंगे। अच्छी तरह से याद रखना, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बिखरे बाल तो अच्छा, आज जैसे देखती हो वैसे ही नृत्य की तालीम होगी, विरह की नृत्य की तालीम। विरह? हाँ विरह। चलो जी शुरू करो, जोगिया राग। एक दो। विरह
की आग में तड़पते हुए प्रेयसी श्रृंगार करके अपने प्रीतम की राह देख रही थी। प्रीतम नहीं आए। सच कहो किधर, महाराज मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं नहीं। निराश होकर अपना श्रृंगार गहना और जेवर उतार कर फेंकने लगी। केतन, मुझसे छुपाओ नहीं। मैंने महाराज के इतने शब्द जरूर सुने थे कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कभी तूने अधूरी बात सुनी। तो पूरी बात क्या है? ये कहना है, अगर हम तुम घूमने फिरने में समय बर्बाद करते रहे तो वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सर ज्यादा झुक गया, ऊपर उठाओ और ऊपर। नीला, क्या तुम्हें फुर्सत है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। दूजे को बधाई, अब तो गिरधर के साथ खुले बंदों प्रेम के पेंग बढ़ाने लगी। क्यों ना हो, दिन रात का साथ जो ठहरा। सुनो नीला, आज से महाराज और गिरधर मेरे घर मेहमान रहेंगे। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है उनके यहां रहने से? बहुत बड़ी तकलीफ। मैं तुम्हारे और गिरधर के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सिर्फ तालीम और रियाज के लिए यहाँ आएंगे और बाकी वक्त वहां। यहाँ तो कोई कसर न छोड़ी आग लगाने में, वहां ले जाकर उनकी जिंदगी दूभर करना चाहते हो? अब तुम्हारी ये चाल न चलने दूंगी। ये चाल नहीं, मेरी ख्वाहिश है नीला, और मैंने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत को ठेस लगे। मैंने तुम्हारी मोहब्बत कबूल ही कब की थी। मोहब्बत न सही, मेहरबानियां तो कबूल की, मेरे एहसान तो उठाए। हाँ, तुम्हें एक शरीफ समझकर, मगर अब तुम शराफत से गिर गए हो। मैं इतना शरीफ भी रहना नहीं चाहता कि शराफत मुझ पर बुजदिल होने का शक करे। तुम्हारी बुजदिली तो साबित हो चुकी है। कायरों की तरह महाराज के कान भरने और हमारे खिलाफ जहर उगलने। बस गिरधर और महाराज यहीं रहेंगे, अगर तुम्हें ये गवारा न हो तो। मैं यहाँ न आया करूं, यही ना तुम्हारा कहना सर आंखों पर, क्योंकि दिलो जान से चाहने वाले खूबसूरती के आगे सर झुका देते। नीला, खबरदार तो मुझे हाथ लगाया तो, शैतान। बेशक शैतान, औरत इंसान को क्या से क्या बना देती है। अब जाओ, तुम्हारा भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हर तरह से खिदमत को हाजिर हूं। Thank you.
बड़ी घुल मिल के बातें हुई मणि बाबू से। अच्छा तुम्हें जलन हो रही है, पर तुम्हें क्या, तुम तो महाराज के कहने पर मेरा घर छोड़कर चले जाओगे। ऐसी फिजूल बातों से मेरा दिल न दुखा। अच्छा जी, ये नई बात मालूम हुई आज कि तुम्हारे भी दिल है। देखो नीला, अगर ऐसी जली कटी कहोगी तो मैं सचमुच घर छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे शिव जी चले गए थे पार्वती को छोड़कर, फिर जानती हो क्या हुआ, पार्वती भेलनी के भेष में शिव शंकर की खोज में निकल खड़ी हुई।
बाबा कल नृत्य होगा। कौन सा? विश्वामित्र मेम का। महर्षि तपीश्वर विश्वामित्र ने हजारों बरस की तपस्या से तीनों लोक पर अपनी धाक बिठा दी। गिरधर, तुम विश्वामित्र पद्मासन डालकर बैठ जाओ। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से सृष्टि के मुकाबले में एक निराली दुनिया बनानी शुरू कर दी। देवलोक में खलबली मच गई। इंद्रासन डोलने लगा। इंद्रदेव ने घबराकर विश्वामित्र का तप भंग करने का कठिन काम अपनी सभा की सबसे सुंदर और चतुर अप्सरा मेनका के सुपुर्द किया। नीला, तैयार हो ना? आकाश से पृथ्वी पर उतरे। आई
चुंबक से खंड खंड हो गई मेनका ने मुझे पाया और विजय के नशे में चूर झूमती हुई चली गई। ये सच नहीं कि तूने गिरधर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया? लेकिन महाराज, मेरा प्रेम पवित्र प्रेम है, मैं सौगंध खाती हूँ। छोटे सौगंध खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भूल गई तूने क्या प्रतिज्ञा की थी कि कला को भगवान समझकर उसकी पूजा और उपासना में मग्न रहूंगी, प्रेम प्यार की बातों को दिल में जगह न दूंगी। वो प्रतिज्ञा अभी तक इस घर के दरों दीवार से गूंज रही है। चलो बेटा, अब हम इस घर में एक पल भी ठहरेंगे। ऐसी निर्लज्ज नर्तकी और निकम्मी औरत के घर में इसे दोष न दीजिए। मुझे नीला से प्रेम है। तुझे नीला से प्रेम है और तेरी नृत्य कला? नृत्य कला से भी ज्यादा नीला के सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नृत्य कला, घर बार, लटे शौर्य, भारत में जांच की पदवी। बेशम, बेहतर, निकल जाए यहां से। नीला से प्रेम है, नीला से प्रेम है, नीला से प्रेम है। मैं समझता था कि मेरा गिरधर, खैर जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया, मेरी ही हार हुई। ऐसा न कहिए महाराज। पहले मौत ने गिरधर की माता को मुझसे छीन दिया, अब तूने गिरधर को मुझसे छीन दिया। आखिर क्या मिला तुझे जो तूने मेरे बुढ़ापे की लकड़ी का सहारा छीन लिया? इस तरह से बुरा न कीजिए महाराज। मुझ निकम्मी औरत पर अपने कीमती आंसू न बहाइए। आपकी शिष्या सब कुछ करने को तैयार है, कहिए तो उनसे बोलचाल बंद कर दूं। जबान बंदी से आंखों के इशारे बढ़ जाएंगे। उससे मिलना जुलना छोड़ दो, उससे प्रेम के शोले भड़क उठेंगे। उनसे कहीं दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। वो तेरी तलाश में आवारा हो जाएगा। मैं उसके पैरों की शक्ति पहचानता हूं, वो तेरी खोज में धरती पाताल एक कर देगा। तो मैं अपने प्राण दे दूं? इसका पाप भी मुझे पर टालना चाहती है? तो फिर क्या करूं महाराज, मैं क्या करूं? अब तू कुछ नहीं कर सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। वो क्या महाराज? तुम दोनों को छोड़कर मैं ही कहीं चला जाऊंगा। मगर महाराज, आप क्यों आशाएं, वो उम्मीदें, वो सुनहरे सपने? उन्हें तेरे दिल भरे घुंघरों की निर्दयी ठोकरों ने मिटा दिया। अब उनकी मिट्टी को अपने टूटे हुए दिल में बांधकर गिरधर की माता की समाधि पर जा बैठूंगा और अपने बर्बाद जीवन की रही सही घड़ियां गिनते गिनते उस स्वर्गवासिनी के ढेर पर ढेर हो जाऊंगा। महाराज, क्या करूं?
पुराने दोस्त हैं। तो क्या मुझसे तुम्हारा प्रेम एक ढोंग था, घोसला था? हाँ। फिर तुमने मुझे धोखा दिया, अपना मतलब निकाला। हमसे कला सीखी कला के लिए नहीं, बल्कि ऐसे धनवानों से सोने चांदी का अंबार बटोरने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। बेशर्म, हर जाइए। आपका कहना ठीक निकला, नीला का झूठा फरेब जाहिर हो गया। वो मतलब भी है, मैं उसका फिर कभी नाम भी नहीं लूंगा। गुस्सा चले तो बाबा, माफ कर दो, अब
अपने गिरधर को माफ कर दो। शांत हो जा, हमें अब इस घर में शांति न मिलेगी बाबा। चलिए इस घर से फौरन चलिए, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। चलिए बाबा, सोचते क्या हो? नटेश्वर उत्सव के लिए चिंता न करो, उसके लिए हम कोई दूसरी शिष्या ढूंढ निकालेंगे। चलो अच्छा हुआ, अपना प्रेम छुटा इन पाखड़ियों से। मगर अब मालकिन का क्या होगा? होगा क्या, मनीबाबू के साथ ब्याह होगा। ब्याह होगा? तुम क्या जानो किसी के दिल की बात, तुम्हारे दिल हो तो। अरे अपना दिल तो मोटर का दिल है, पेट्रोल हो तो झटपट वरना फटफट। आखिर देख लेना मेरी बात सच निकलेगी, आने दो मालकिन को। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर मालकिन को बुला लाती हूँ। गाड़ी रोक लो, मुझे फोन करने दो। यहाँ मैं तो समझा था कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। नहीं, उस वक्त मैंने गिरधर के सामने बहाने किया था। ये क्या ढूंढेंगे नीला, उधर गिरधर को चकमा, इधर मुझसे धोखा। हाँ धोखा, सबको धोखा, अपने आप को भी धोखा। नीला, ठहरो नीला। चले जाओ मणि बाबू, मेरा पीछा न करो। नीला, मैं कहती हूँ चले जाओ, नहीं तो मैं नदी में कूद कर जान दे दूंगी। डूबना है तो डूब मत, तुझ जैसी बेशर्म औरत के लिए ऐसी ही मौत अच्छी। धोखे बाद, धोखे बाद, धोखे बाद, तू धोखे बाद है, तू एक झूठी शपथ खाई। नहीं नहीं, मैंने झूठी शपथ नहीं खाई, मेरा प्रेम पवित्र है, निष्कलंक है, मैं धोखेबाज नहीं। दुनिया कुछ भी कहे गिरधर, लेकिन तू मुझे ऐसा न कहो, मेरा दिल न तोड़ो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी कला की बढ़ाई के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए। नहीं नहीं, मैं ढोंगी नहीं। नहीं नहीं, मैं धोखेबाज नहीं, मैं धोखेबाज नहीं। बंद कर दो अपना वो, बंद कर दो भगवान के लिए, अपना वो बंद कर दो। बड़ी भाग्यवान हो देवी, भगवान की दया ने तुम्हें डूबने से बचा लिया। बचाने के बदले अपने पास बुला लेते भगवान तो अच्छा होता। ऐसी बातें मैं करूं देवी? मुझे देवी न कहो, मैंने बड़ा भारी अपराध किया है, मैं किसी की दया के लायक नहीं, मैं पापी हूँ, पापी, महापापिन। आइए आइए, तकिए पर रखिए, मैं उन्हें बुला लाता। जी हाँ, आपकी पुरानी शिष्या रूपकला। पुरानी शिष्या? हाँ महाराज, आपकी पुरानी दासी। देखती क्या है, चरण झूले महाराज के। क्षमा कर दीजिए महाराज,
क्षमा कर दू तुझे जिसने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए मेरे सुनहरे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। नहीं, मेरे पास एक बागारी नर्तकी के लिए कोई जगह नहीं। नाटक ने हमें कहीं का न रखा महाराज, हम बर्बाद हो गए, हम पे तरस खाई। मेरे रूप कला को एक बार फिर मौका दीजिए। महाराज महाराज जरा सोचिए तो, अब आपके पास वक्त ही कहाँ है किसी दूसरी को तैयार करने का। आखिर इस पर भी आपने बहुत मेहनत कर रखी है, उसका कुछ तो फायदा उठाइए, मान जाइए महाराज। अच्छा रूप, मालकिन, बिंदिया तू यहाँ कैसे? तुम्हारी खोज में मालकिन। मैं थक गई हूँ बिंदिया, यूं भूखे प्यासे भटकते फिरने से अगर ना होगी तो क्या होगा? इसे भटकना नहीं कहते बिंदिया, इसे कहते हैं त्याग और तपस्या। ऐसी बातें ना करो, चलो घर चलो, यूं अपना बना बनाया घर बर्बाद ना करो। घर बर्बाद हो जाएगा तो क्या, दिल तो आबाद हुआ है मेरा, उनके ध्यान से, उनकी याद से। अब जब तक उनके नटेश्वर में जीत न हो गई, मैं इसी तरह गुजर बसर करूंगी। मगर उनकी जीत पाने तक तुम्हें जिंदा तो रहना है, और जिंदा रहने के लिए खाना पीना ओढ़ना भी है। तो उसकी चिंता ना कर, ये ले, इसे बेच कर एक इकतारा खरीद ला। इकतारा, जा। बाबा मेरा नाचने को जी नहीं करता। नाचने को जी नहीं करता, क्या बकता है, चल उठ।
रहे हो? हाँ तुम्हें, तुम्हें नीला। मगर मैं नीला नहीं हूँ, मैं तो कृष्णदासी हूँ। मुझे ज्यादा नाजमाओ नीला, मैं तुम्हारे बुरे बर्ताव पर भी तुम्हें नहीं बोला, नहीं बोल सकता। तुम कृष्णदासी नहीं, गिरधर के दिल की रानी हो। तुम्हें शांति की जरूरत है, यूं अशांत मंदिर भटकने से कुछ न मिलेगा, न दीन न दुनिया। मगर नीला, मेरी दुनिया तुम्हें हो। आ चलो यहां से कहीं दूर, तारों के जल मिल गले, नीली रात की सेज पर चांद से आंख बचाएं, अपने अरमानों को मोहब्बत के हवाले कर दें। नीला, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। होश में आओगे थे, प्रेम के असली माने समझने की कोशिश करो। कला के तपस्वी और वैराग्य बनकर ऐसे मोहक लालसा से बचने की कोशिश करो। तुम जैसी के मुझसे ये उपदेश, मैं समझ गया। अपने नया सॉन्ग रचाया है तुमने, कोई बहुत बड़ा शिकार फांसने के लिए। क्यों ना हो, आखिर छल कपट ही तुम्हारा धंधा है, धोखा फरेब तुम्हारा काम और तिल लुटता तुम्हारा पेशा। तुम कृष्णदासी के भेष में जहरीली नागर हो, जिसका सर कुचल देना ही अच्छा। खून के जोश में अंधा न बन, इसके खून के बदले तुझे फांसी मिलेगी। चल, कुछ भी हो मगर इस वक्त मैं इसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। दीवाने, अंधे क्या करता है? चल, अच्छा आज तू बच निकली, मगर याद रख, अगर फिर कभी तू मेरे सामने आई तो तुझे जिंदा न छोड़ूंगा।
खड़ी क्या दिखती है कलंकनी? तेरे दिमाग पर तो काबू पा चुकी, अब इसकी आत्मा को बेचैन न कर, चली जा भगवान के लिए यहां से, चली जा। जहाँ से किसी को मेरे मरने की खबर तक न आई, जहाँ मेरी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई न होगा, पास फटकने वाला कोई न होगा, सिर्फ एक लावारिश लाश होगी, सूखे पत्तों और तिनकों का कफन ओढ़े, जिस पर कहीं से कोई उल्टी हुई चिंगारी आंच पड़ेगी और उसे धीरे धीरे जलाकर भस्म कर देगी। बोझल हो रही है क्या? दूसरी से बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सुना नहीं निर्दयी, कोई बेचारी बेहोश पड़ी है। लेकिन अमूल्य का थोड़ी है, चलो आगे। मैंने कहा रोको। रोक ली भाई, रोक ली। मालकिन, तुम्हारी मालकिन है? मालकिन, मालकिन। नारायण, नारायण। मैं हूँ बिलिया, चलो मालकिन घर चलो। तुम्हारे हाल अच्छी नहीं मालकिन। मैं चाहती हूँ मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मरने से
से पहले एक बार उनके लिए अच्छी खबर सुनूंगा तो क्या मुझे तपस्या का फल ना मिलेगा? कहते हैं प्राणी दुनिया से खाली हाथ जाता है, केवल जीवन भर के अरमान साथ लिए जाऊंगे। नहीं नहीं, ऐसा ना होने दो, मुझे ले चलो वहां वहां। कहा मालकिन? मुकाबले के लिए एक कलाकार और बाकी है, श्री राम प्रसाद जी, आगरे वाले। बहुत अच्छा सज्जनों, अब राम प्रसाद जी और गिरधर जी में मुकाबला होगा। इन दोनों के मुकाबले में जिनकी कला ज्यादा अच्छी होगी वही आखिरी स्त्री पुरुष वाले साझे नृत्य में आने के हकदार होंगे और उन्हीं को भारत नटराज की पदवी हासिल करने का मौका मिलेगा। अब राम प्रसाद जी और गिरधर जी से कहा जाता है कि वो रंगमंच पर आकर अपना अपना धमाल दिखाएं। गिरधर बेटे। जी बाबा। जय नटेश्वर। अगर मैदान में हार लो तो मुंह मांगा इनाम पाओ 5,000। नहीं नहीं 10,000। देखते रहिए सरकार। शाबाश। पहले आप शुरू कीजिए। बहुत अच्छा।
लेकिन बगावत की धाप और गुंगलों की आवाज से इसके शरीर में चेतना आने लगी है। इसे नृत्य से कोई आत्मिक लगाव है। उत्सव की आखिरी सभा है। अब स्त्री पुरुष वाले साझे नृत्य के लिए श्री गिरधर जी से कहा जाता है कि वो अपनी साथी रूप कला देवी के साथ शिव तांडव नृत्य करके दिखाए। तांडव के बाद पूजा नृत्य होगा। इस नृत्य में भी गिरधर जी और उनकी साथी रूप कला देवी अपना अपना कमाल दिखाएंगे। इन सब नृत्यों के बाद ही भारत नटराज की पदवी का फैसला होगा। नाच बिगाड़ दू? नहीं नहीं माँ, महाराज से फिर धोखा न करूंगी। तो गोया अपने आप को धोखा दोगी? लो ये पेशगी की 5,000 रुपए, बाकी 10,000 नाच चौपट होने पर। सोच लो 15,000 रुपए की रकम है। ऐसे 10 नटेश्वर उत्सव में नाचोगी तब भी इतने रुपए ना कमा सकोगे। सदियों पहले जब पृथ्वी पर घोर पाप, अनाचार और अत्याचार होने लगे, भगवान शंकर की क्रोधाग्नि थपक उठी। उन्होंने तांडव नाचना शुरू किया। वो पृथ्वी का नाश करने पर तुल गए। देवलोक और मृत्युलोक भयभीत होकर पार्वती माता के पास पहुंचे। पार्वती माता ने उनकी पुकार सुनी। अपने प्राणों को घोर संकट में डालकर वो शिवजी के पास पहुंची और उन्हें शांत कर दिया। ये है शिव तांडव की कथा। गिरधर जी की साथी रूप कला पार्वती के रूप में। चली मैं सबके सामने यहाँ गालियां खाने नहीं आई। ये लो अपनी पोशाक। न्याय पंचों से मेरी अर्ज है, रूप कला की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो नृत्य करने से लाचार है।
गिरधर जी अकेले ही शंकर और पार्वती दोनों का नृत्य करेंगे। लेकिन मगर महाराज ये कैसे हो सकता है? न्याय पंचों से मेरी दरखास्त है कि अब गिरधर जी के बदले राम प्रसाद जी को मौका दिया जाए। ये अपनी साथी बांसुरी बाई के साथ साझे नृत्य के लिए तैयार है। सज्जनों, क्योंकि गिरधर जी साझा नृत्य नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जगह दूसरी श्रेणी के हकदार राम प्रसाद जी को उनकी साथी बांसुरी बाई के साथ नृत्य करने का अवसर दिया जाता है। गिरधर हट जाओ, रंगमंच से हट जाओ। वो नहीं हटेंगे। भयंकर आंधी उठी, शिवशंकर की खोज में निकली हुई पार्वती को इस आंधी ने समेट लिया। चांद तारे टूट टूट कर गिरने लगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ गिरने लगे। Thank you.
में आओ, इस जानलेवा रास्ते को बंद करो। अच्छा, शिवजी को शांत करने के लिए पार्वती ने भिंती भाव का नृत्य शुरू किया। गुस्सा छोड़ो गिरधर, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी कला की बढ़ाई के लिए, विश्वास करो गिरधर, तुम्हारे सिवा तुम्हारी लीला के दिल में और कोई नहीं, न था न होगा। तुम्हें भारत नटराज की पदवी का वास्ता, मान जाओ गिरधर, मान जाओ। शिवजी शांत हुए और पृथ्वी का नाश करने वाला त्रिशूल पार्वती के हाथ सौंप दिया। न्याय बड़े आदर और उत्साह के साथ गिरधर जी और नीला देवी के साझे नृत्य को मान देता है और भारत नटराज की पदवी का हकदार गिरधर महाराज को ठहराता है। बोलिए भारत नटराज।
मिला? तुम जा रही हो? मैं जिस काम के लिए आई थी वो पूरा कर चली। देखो, तुमने एक शिक्षा का धर्म भी पूरा किया, नृत्य कला की लाज भी रखी, गिरधर को पदवी दिलाई, नटेश्वर को भी प्रसन्न किया, मगर हमारी गुरु दक्षिणा? जो महाराज की आज्ञा। आओ अब तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन जाओ और कला की सेवा में फूलते फलते रहो। Yeah, be the next one.